सचिन अहिर जी, ये जो आनन फानन में आप लोगों ने लॉकडाउन का फैसला ले लिया, उसको पढ़ के भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद वीकेंड में कंप्लीट लॉकडाउन होगा, लेकिन आप लोगों ने तो मंगलवार से ही कर दिया, ये क्या था जरा इसमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। नहीं, कोई आनंद फानंद में नहीं किए, और इसमें ये परिस्थिति जैसे आप सब लोग के सामने है कि ये ऐसी कोई भी राज्य के प्रमुख या कोई भी राज्य की सरकार लॉकडाउन या किसी के लिए बेनिफिशियरी है ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि एक साल में भी राज्य सरकार ने लॉकडाउन को सामना करने का काम किया और बहुत ही अच्छी किफायदार तरीके से इसको वापस बिगेन स्टार्ट महाराष्ट्र बिगेन अगेन के माध्यम से उसको शुरुआत भी करने की काम की। ये परिस्थिति ऐसी क्यों आई? क्योंकि जिस तरह से आपने इसके पहले जिक्र किया, और इसमें कोई आरोप कोई लोगों के ऊपर या कोई किसी एक वर्ग के ऊपर नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती जा रही है कि जो सेकेंड स्ट्रेन या सेकेंड वेव आने के बाद जितना हम लोग पूरे क्राउड को कंट्रोल कर सके, जितनी पाबंदियां ला सके, जितनी निर्बंध ला सके, जितने लोगों को अवेयरनेस कर सके, वो करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी संख्या में जो बढ़ोतरी होते जा रही थी, आज उस हिसाब से ही इस डिसीजन लेने के काम किया। कोई डिसीजन एक दिन में ले लिया ऐसा नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से सभी घटकों से चर्चा करने की बात की, शायद कोई अन्य फोरम में या ट्रेड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वीरेन जी है, शायद उनसे बात हुई नहीं हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हर सेक्शन के लोगों से, फिर वो पत्रकार हो, फिल्म इंडस्ट्रीज हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, और गवर्नमेंट्स के जो तज्ञ है या प्रशासकीय यंत्रण है, पॉलिटिकल पार्टी हो, साथ ही साथ में सिर्फ ये मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं है, कुछ डॉक्टर्सों की टेक्निकल टीम या डॉक्टर्सों के जो तज्ञ है, जो इसमें माहिर है, उनसे भी डिस्कशन कर फिर ये निर्णय लेने का काम किया। अब ये निर्णय लेने के पहले ही कुछ जगह मीडिया से या कुछ अन्य से किसकी कैसी थी कि ये ऐसा होने वाला है वैसे होने वाला, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री जी ने दो दिन पहले सभी जनता से बातचीत की, उनको प्रिपेयर किया और फिर ये निर्णय लेने का काम किया। और इस निर्णय के प्रति किसी को दबाना या किसी इकोनॉमी को खत्म करना कोई राज्य के प्रमुख को नहीं लगेगा। आज जिस हालत से हालात है, और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश है, जैसे पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में फर्क है कि पिछले लॉकडाउन में अनिश्चितता थी कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब होगा, पता नहीं था। अब हमने ये जो किया, ये चेन तोड़ने के लिए 30 अप्रैल तक की किया है, और इसमें भी और ना और जैसी परिस्थिति सुधरेगी और अगर हालात सुधरेगा तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं, वो लाने का अधिकार पूरे राज्य सरकार को है। लेकिन आज अनलिमिटेड लॉकडाउन या पूरी तरह से अभी लॉकडाउन हो गया, अभी इसके बाद कब स्टार्ट होगा ये हमने क्या नहीं। और साइमन सचिन जी, एक चीज ये बताइए कि जब ये आदेश जारी किया गया था, एक ही आदेश सब जगह घूम रहा जो जारी हुआ था 5 तारीख वाला, उसमें ये बातें लिखी हुई थी। अब एक कंफ्यूजन है, इसको दूर करिए, जो जिससे कि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या ये भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऑफिस जा रहा है तो उसको अपनी जेब में आरटीपीसीआर नेगेटिव रखना पड़ेगा या वो वैक्सीनेटेड हो? नहीं, इसमें जो ऑफिसेस स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, तो सब प्राइवेट ऑफिसेस, प्राइवेट दुकानें सब बंद की, जो एसेंशियल है उसको, और एसेंशियल के क्राइटेरिया में कुछ स्पेसिफाई किया गया है, जिसमें बैंक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ऐसा नेसेसरीज जो अत्यावश्यक व्यवस्था है उसको लगकर जो ऑफिसेस है उसमें किया गया। और उसमें ये भी कहा गया कि आज ही नहीं, इमीडिएटली 10 अप्रैल तक की मुदत दी गई है कि वो उसमें उनके लोगों के आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन का काम भी वो करे, ताकि वहां पे फैलाव ना। नहीं तो यानी जो बैंक है, बिजली के दफ्तर है, टेलीकॉम के हैं, महापालिका के हैं, जो बहुत जरूरी दफ्तर खुलेंगे, उनके जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको अपना आरटीपीसीआर नेगेटिव दिखाना चाहिए, अगर नेगेटिव है। अभी अभी आरटीपीसीआर की भी इमीडिएट जरूरत नहीं है, उसमें पहले स्टेज के ऊपर यह कहा है कि एंटीजन और रैपिड टेस्ट करने के लिए, ताकि उसमें वो आसानी हो उनको कि इमीडिएटली 10 अप्रैल के बाद उनको ये लगेगा। 10 अप्रैल तक ये हमारा कहना है कि उनको आवाहन करके वैक्सीनेशन जितने जो लोग हैं जो क्राइटेरिया में, नहीं अब इसमें सचिन भाई, सचिन भाई छोटे छोटे में रखते, क्योंकि इसमें बहुत सारे मन में सवाल आते हैं। एक आपने कहा कि 10 तारीख के बाद जो लोग जा रहे हैं दफ्तर, एसेंशियल सर्विसेज वाले भी, वो या तो आरटीपीसीआर करा रहे हैं या एंटीजन उनके पास होना चाहिए जिससे उनको पता हो। सवाल ये उठता है कि जो बाकी लोग और जा रहे हैं, या जो बहुत और लोग किसी कारण से निकल रहे हैं या कोई कहीं जा रहा है, वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? रास्ते में रोक के उससे पूछेंगे कि आपके पास आरटीपीसीआर है कि नहीं है? कहां पे भी कोई भी किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा रहा है। 144 धारा हमने वहां पे लागू की है, जिसमें 5 लोग से ज्यादा अगर लोग संगठित होते हैं या एक साथ आते हैं तो वहां पे कार्रवाई और वहां पे पूछताछ की जाएगी, लेकिन जहां तक व्यक्ति के मूवमेंट में कोई पाबंदी नहीं।
ठीक है, सड़क पे चलते हुए आदमी को नहीं दिक्कत, लेकिन अगर दफ्तर में वो जा रहा है, दफ्तर में काम कर रहा है, तो उसको आरटीपीसीआर चाहिए। यस, आप आज भी मुंबई में आके देखिए, यार आपके पत्रकारों के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं, हाँ। कि किसी को रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं दो दो क्लैरिफिकेशन दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, वीरेन भाई आपके लिए भी, सड़क पे चलता हुआ आदमी है तो उसको नहीं रोकेंगे, आरटीपीसीआर उसने कराया नहीं कराया उससे भी, लेकिन अगर वो किसी ऑफिस में काम करने जा रहा है तो उसका होना चाहिए, एक क्लैरिफिकेशन। दूसरा ये बताइए कि अभी वैक्सीनेशन की एज 45 है, ऑफिस में काम करने वाला आदमी अगर 38-40 साल का है तो वो वैक्सीनेशन तो करा ही नहीं सकता, चॉइस उसके पास सिर्फ है कि वो आरटीपीसीआर लेके चले, और आरटीपीसीआर 72 घंटे के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, फिर कितनी बार वो कराएगा सर? जी यहाँ से 30 अप्रैल काफी समय है, इसीलिए रैपिड टेस्टिंग करके उसको वैक्सीनेशन के क्राइटेरिया में लाए, और जो वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे उसको वो वहां से पाबंद करे, क्योंकि 50% ही अलाउ करने का निर्णय लिया गया इन सब क्षेत्रों में, ये हुआ एक बात। और साथ ही साथ में राज्य सरकार बोलकर हमने भी ये पहले राज्य के मुख्यमंत्री जी ने पंतप्रधान जी को आह्वान किया था कि 45 ईयर्स के आगे के लोगों को वैक्सीनेट करे, हमने आज भी देश के पंतप्रधान जी को राज्य के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि इसकी उम्र की मर्यादा है वो 25 साल के आगे के लोगों के लिए करें, तो मुझे लगता है वो अगर परमिशन अगर आ गई तो इसमें भी बहुत बड़ा रिलीफ आगे के काल में मिलेगा, लेकिन 10 अप्रैल से शुरुआत है, इसका मतलब कल जाकर ही कोई खड़ा रह जाएगा या बंद कराना है, ऐसा इसमें ये नहीं है, इसमें एक दूसरे को कॉपरेट कर करने की पाबंदी लाने की इच्छा है। अच्छा एक और सवाल सचिन जी क्लैरिफाई करिए, क्या मीडिया को आपने एसेंशियल सर्विसेज में माना है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट नहीं है, जी नॉर्मल जर्नलिस्ट है, डेस्क पे काम करते हैं, बैकएंड पे काम करते हैं, वो रोज आते हैं ऑफिस, तो उनको क्या माना आप लोगों ने? कोई प्रेस और प्रेस के जो है, जो ये लोग हैं उनको कोई पाबंदी नहीं है, जो प्रेस के जैसे जिस तरह से प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जैसे काम करते तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो निकष जो लगाए गए हैं वो निकष के अंतर्गत है कि वैक्सीनेशन के बावजूद आपको कोविड हो सकता है, सिर्फ उसकी गंभीरता उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना न लेने से होगी, यानी आप कड़े शब्दों में कहें तो आप मौत की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन आप बीमार हो सकते हैं, तो इसलिए गलतफहमी मत रखिए कि वैक्सीनेशन लगा लिया मुझे नहीं होगा। सचिन भाई आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए। मुझे एक ही वैक्सीनेशन के बारे में ऐड करना है, मैं कोई उसमें तज्ञ नहीं हूं, लेकिन जैसे जो भाई साहब ने कहा बहुत सही है, लेकिन मेरा एक कुछ सजेशन रहेगा, एक तो वैक्सीनेशन के बारे में लोगों के मन में बहुत विभिन्न चर्चाएं हैं, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि कोवैक्सीन ले कि कोविशील्ड में, उसमें बहुत वक्त निकल गया। बिल्कुल, एक दूसरी बात ऐसी है कि वैक्सीनेशन मुझे ऐसा लगता है हम रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर इतनी उपलब्धियां हैं और अगर हम लोग देने की कैपेसिटी में, तो हम उसको पूरी तरह से ओपन, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी तो भी जाके देश के हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, ये हमारा एक मानस होना चाहिए, ये बात एक। दूसरी, सिर्फ हम दो ही मोनोपोली वैक्सीनेशन तक के क्यों सीमित है? अगर जिसकी परिस्थिति अच्छी है, तो ये एक वक्त पे ऐसा था कि आरटीपीसीआर का रेट 4,000 रुपया था, अगर वो अवॉइड करने के लिए अगर वो वैक्सीनेशन के रेट जो गवर्नमेंट ने आज यहाँ तय करके 250 जो आम आदमी को मिले, लेकिन अगर जिसकी परिस्थिति अच्छी है जो है वो भी अगर ओपन अप अगर कर देते और बड़े पैमाने पे प्राइवेट हॉस्पिटलिज में ये शुरू हो गया, तो मुझे लगता है कि देश के चुनाव अगर 15 दिन में हो सकते हैं और जिसमें देश की 50-60% की फीसदी भी आबादी लाइन लगा के वो सब चीजें जाग सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये कार्यक्रम भी देश में पूरे महीने 2 महीने में भी पूरा हो सकता था कि अगर हम इसको पूरी तरह से ओपन अप करते। जी भाई एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, सचिन भाई बोलिए आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं वैक्सीनेशन के बारे में यही कह रहा था कि हमारे यहाँ अगर वैक्सीनेशन की उपलब्धियां है तो हर राज्य में जहां जहां नीड बेस है, जैसे उन्होंने बहुत पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ये मानसिकता जहां नीड बेस है, जो तो ना जहां नीड बेस है वहां तो आप दीजिए। आज हमारे राज्य में हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ वैक्सीनेशन 1.5 दिन रहेगा या 3 दिन रहेगा, इतना ही है। अब केंद्र सरकार करिए कि नहीं हम आपको 7.5 लाख वैक्सीनेशन दे रहे जो सिर्फ ये 3 दिन के बाद सिर्फ 1.5 दिन बचेगा, तो हम कह रहे इसमें हम पीछे क्यों है? बाकी देशों में हमने दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, उसके बारे में कोई द्वारा, लेकिन जहां अपने स्टेट अपने देश में जहां जरूरी है वहां वैक्सीनेशन के बारे में और अवेयरनेस करके वो सरकारों को और जहां नीड बेस जैसा वो कह रहे हैं कि उनको देनी जरूरी है। आज दुर्देव की बात है कि फ्रंट लाइनरों को भी एक गए हफ्ते में नोटिफिकेशन आया कि फ्रंट लाइनरों को भी अब वैक्सीनेशन ना दे, और फ्रंट लाइनर जो ऐसी परिस्थिति में भी जो लोगों का सामना करते हुए काम कर रहे हैं, अगर हम उनको भी अगर बंद कर दे तो हम वापस पीछे जा रहे हैं कि हमको आगे जाना है, तो आगे जाने की। सचिन जी आपके मेयर, मुंबई के मेयर ये कह रहे हैं कि शॉर्टेज है, क्या ऐसी स्थिति है फैक्चुअली?
है फैक्चुअल है। आज ही हमारे राज्य के जो आरोग्य मंत्री है उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचेगा इतना वैक्सीनेशन है, उसके आगे का वैक्सीनेशन नहीं है। अब केंद्र सरकार का एक शाम में ट्वीट या मंत्रालय से सूचना आई कही कि नहीं हमारे और 7.5 लाख पाइपलाइन में हमको देना है, हमने सिर्फ कल एक दिन में 4 लाख वैक्सीनेशन पूरे राज्य में और 55,000 हमने मुंबई में करने का काम किया। हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख मुंबई में दर दिन हम करें, तो उसके तुलना में जो वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए वो दुर्देव से मिल नहीं रही है। जब एक बार में बात होती है कि नीड बेस है, तो जहाँ नीड बताई जा रही है तो वहाँ क्यों वहाँ पे होना चाहिए। डब्ल्यू एच ओ ने मान्य किया कि सबसे अच्छा ज्यादा अच्छा काम यहाँ पे हुआ है, उसके बावजूद भी हमें जैसे स्लम्स एरियाज में जो हम लोगों ने जो मास्क किए इसमें आज पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है जहाँ वैक्सीनेशन की बात हो रही है। मैं राजनीति नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नीड बेस जहाँ जरूरत है वहाँ पे। आप कह रहे कि नहीं है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति नहीं है वो तो आप वहाँ पे आप उसके आंकड़े जाहिर कर लीजिए कि आज नहीं, प्लीज मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा फैक्चुअली रहें। देखिए नंबर से बताते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, मुंबई में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, नंबर स्पीक्स इटसेल्फ, इसमें कोई किसी के कहने से बदल नहीं जाएगा। सचिन जी एक क्लेरिफिकेशन फिर आपसे, चूंकि अभी खबर है कि डोमेस्टिक हेल्प घर में आ जा सकते हैं, उनकी आवाजाही पर रोक नहीं है, तो 10 अप्रैल के बाद उनको भी वो टेस्ट कराना पड़ेगा? उनको जरूरत नहीं है, बट जैसे हर व्यक्ति को भी एक देखना है कि मैं मेरे घर में अगर किसी को ला रहा हूं तो मैं उसमें क्या चीजें मुझे करनी है नहीं करनी है। हाँ। एक बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कोई ऐसे पैनिक सिचुएशन निर्माण करके किसी को लादने का ये नहीं है। हाँ। ये एक चेन को ब्रेक करने की एक कोशिश हमारी है। हाँ। जैसे पहले एक वक्ता ने कहा, जो भाटिया जी ने भी कहा कि भाई लॉकडाउन ये कोई नहीं है, हम भी ये मानते हैं लॉकडाउन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, बट इस चेन को ब्रेक करने के लिए अगर सब चीजें अगर आपने करके देखनी है, आपको हैरानगी होगी कि मुंबई में, सिर्फ मुंबई में 24 लाख लोगों के ऊपर मास्क लगाने के ऊपर फाइन लगाने का काम किया और 45 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने जमा किया। अभी 45 करोड़ रुपया हमको मिला है तो एक खुशी की बात है, यानी इतना मॉनिटर करने के बाद कितने सारे होटलें जो ऐसे गैर कानूनी रीति से लोगों को लाते थे, सील करने का काम किया, बंद करने की, ये सब चीजें होने के बाद ये चीजों में आई। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक टाइम फेज को तोड़ने के लिए और हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। आज भी मुंबई में और महाराष्ट्र में हम लोगों ने आईसीयू के जंबो बेड्स, तो कोविड सेंटर शुरू कर लिए, बेड्स लाए, सब कुछ लाए, ये सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन उसको लगने वाले जो डॉक्टर्स है, उसको लगने वाले जो फ्रंट लाइनर जो हेल्थ केयर के जो सब व्यवस्था है, वो क्या एक दिन में तैयार नहीं हो सकते? जो पहले हमने प्लान किया उसके तहत वो हो गई है, लेकिन क्योंकि इसकी संख्या रोज बढ़ते जा रही है, तो इस चेन को कहां तो भी थोड़ा रिलैक्सेशन या तोड़ने की कोशिश हमारी है, ताकि ये चीजें होने के बाद इसका जो मेडिकल इसके ऊपर जो इफेक्ट हुआ है वो दुर्देव से ना हो। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है सचिन जी, आपको अपनी स्ट्रेटजी में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अभी तो देखिए ना, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी निर्णय जाहिर किया कि नाइट कर्फ्यू कर दिया, तो कहने का मतलब अभी कोर्ट भी इसमें इंटरव्यून हो रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि हालात कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये लॉकडाउन अनडेफिनेटली नहीं है, इसको इसीलिए इसको हमने नाम ही दिया है ब्रेक द चेन। चेन को ब्रेक करने के लिए साथ ही साथ में एक बाजू में वैक्सीनेशन हो, साथ ही साथ में मेडिकल व्यवस्थाएं भी पूरे उसको स्ट्रीमलाइन जैसे पहले थे उसको और तेजी से करके लाए, लोगों में थोड़ा और एक प्यार से थोड़ा अच्छा से डर भी निर्माण होना चाहिए कि नहीं ये चीजें हम लोग नहीं किया अगर तो ये सब चीजें होगी, और कंटिन्यूसली राज्य के मुख्यमंत्री इंटरेक्ट हुए लोगों से और जनता से बात कर रहे, तो मुझे लगता है कि हम इमीडिएटली उसको रॉन्ग बुक्स में न डालें कि इसको एक अच्छी पॉजिटिव से देखें, नहीं तो कल ऐसी हालात नहीं हुए कि 15 दिन के बाद आपके चैनल पे हम ये डिबेट करें कि ये चीज जो हमने आज की थी हमने 1 महीने पहले क्यों नहीं की, 2 महीने पहले ये स्थिति आपको सामने आज नजर आ रही थी तो क्यों नहीं की। ये सब चीजों को देखकर सोच विचार कर ही किया जा रहा है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकारें हर चीजों को देखकर करने के बाद कुछ शिथिलता लाती है। अभी वीरेंद्र जी ने खुद कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासित किया कि वो उसमें ध्यान देंगे, तो मेरा कहना है कि थोड़ी थोड़ी शिथिलता हम ला सकते हैं, लेकिन आखिर में हमारे सामने प्राधान्य है कि हमको लोगों की जाने बचानी है, हम ह्यूमन फेस से काम करना चाहते हैं, हमको इकोनॉमी को देखना है, लेकिन इकोनॉमी को देखते हुए लोगों की जाने बचानी हमारी प्रायोरिटी है, वो बचेगी तो फिर वो इकोनॉमी जिसके लिए चाहिए या जिसके लिए हमको यूटिलाइज करना है, बट जहां तक के वो मानवीय चेहरा हमको सामने रखकर लोगों की जाने बचाना ये हमारा पहला लक्ष्य।